नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न विद CGM के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक आज आपको 13% से लेकर 31% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारे ये वीडियो। दोस्तों शुरुआत में हम बात करने जा रहे हैं दो बड़े इंडाइसिस के बारे में, जो कि ये हमारे इंडिया के बेंचमार्क है। सबसे पहला है सेंसेक्स। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक इमेज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आज सेंसेक्स 57,832 रुपीस पर है और ये पिछले एक मंथ के अंदर 2265 पॉइंट डाउन हुआ है, जो कि करीबन 3.5% से भी ज्यादा है। और आज हम इसका ये एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि ये 52 वीक हाई 62,245 पॉइंट्स बना चुका है और जो इसका करंट प्राइस है 57,832 उससे करीबन 7% डाउन चल रहा है। दोस्तों सेम चीज है जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी के बारे में भी, कि निफ्टी आज के दिन की इसकी पोजीशन है 17,276 पॉइंट्स और ये करीबन 2.5% से भी ज्यादा पिछले एक मंथ में डाउन हो चुका है और साथ ही में 52 वीक्स हाई यानी कि 18,604 से लेके आज की प्राइस 17,276 तक ये करीबन 7% डाउन है। मींस दोनों सेंसेक्स एंड निफ्टी करीबन पैरेलली 7% डाउन है और जो हम आपको स्टॉक्स आज बताने जा रहे हैं ये सभी स्टॉक करीबन 13% से लेके 31% तक डाउन है और ये सभी पार्ट है निफ्टी सेंसेक्स। या तो ये ब्लू चिप कंपनियां है जो अपने आप में एक मार्केट लीडर के तौर पर बनी हुई है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली कंपनी, वो है HDFC लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, HDFC लिमिटेड जो कि एक फाइनेंस एंड हाउसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई कंपनी है और अपने आप में एक मार्केट लीडर है और काफी एग्रेसिव कंपनी है। ये कंपनी का शेयर आज के दिन में आपके पास 2437.20 में अवेलेबल है और ये करीबन एक मंथ में 7% तक गिर चुका है, डाउन है। जब हम बात कर रहे हैं 52 वीक हाई सेंसेक्स और निफ्टी की, तो इसकी भी यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये 52 वीक हाई 3021 तक जा चुका है और आज की डेट यानी कि 2437 से ये दोस्तों करीबन 19% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 19% डिस्काउंट, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी आज के दिन में 7% डिस्काउंट पर चल रहे हैं। ये पहला स्टॉक है दोस्तों। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। जी हाँ दोस्तों, IT सर्विस एंड कंसल्टेंसी की बहुत अच्छी फर्म इंफोसिस के बारे में, जो कि पिछले एक मंथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले एक मंथ में ये करीबन 8.63% डाउन जा चुका है और इसका आज के दिन का प्राइस है 1705.95 रुपीस। दोस्तों इसके कंपैरिजन हम HDFC की तरह ही अगर करें तो ये 52 वीक्स हाई 1953.90 पर था, आज के दिन की इसकी प्राइस है 1705.95, जो कि अभी वो 12.7% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों ये एक IT की मार्केट लीडिंग कंपनी है। दोस्तों अब हम अगली स्टॉक के बारे में बात करेंगे, तो ये स्टॉक्स है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी है कंज्यूमर फूड की, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है, जिसका आज के दिनों में प्राइस है 3475.20 और ये पिछले एक मंथ में 2.81% गिर चुका है। यानी आप सेंसेक्स और निफ्टी के सामने कंपेयर करें तो उसके पैरेलल चल रहा है। बट गौर करने वाली बात यह है कि 52 वीक्स हाई यानी कि 4153 से
आज के दिनों में 3475 रुपीज ऑलमोस्ट डिस्काउंट 16% है, मीन्स मार्केट 7% डाउन हुआ है, जबकि ब्रिटानिया का शेयर 16% डाउन हो चुका है, बट कंपनी अपने आप में मार्केट लीडर है, अच्छा बिजनेस कर रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिख रहे हैं दोस्तों। अब हम अगली बार कंपनी की बात करेंगे, ये कंपनी है जो कि काफी सारी चर्चा में रही हुई है, टाटा की, टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। टाटा स्टील लिमिटेड एक आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी आज के दिन का प्राइस है इसका 1191 रुपए, जो कि पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5% ही गिरा हुआ है। जो हम कंपेयर करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी का, तो उसके कंपैरिजन में ये काफी कम गिरा हुआ है। बट अगेन गौर वही कीजिएगा कि 52 वीक्स हाई 1534 से लेके ये अपने करंट प्राइस 1191 पर चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 22% से भी ज्यादा इसके अंदर डिस्काउंट आ चुका है दोस्तों। 22% डिस्काउंट आज के डेट में अपने 52 वीक हाई से टाटा स्टील के अंदर अवेलेबल है। अगले हम कंपनी के पास जाते हैं, ये कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडस्ट्री की, जिसका आज के दिन का प्राइस है 372.85 रुपीस, जो कि एक मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 5.5% डाउन है। और अगर हम फिर से एक बार कंपेयर करें 52 वीक हाई से, यानी कि इसका 52 वीक हाई 503 रुपए है, जहां से ये आज के दिन में 372.85 पे चल रहा है, और आप देख सकते हैं इसका डिस्काउंट करीबन करीबन 26% है। जी हाँ दोस्तों, 26% डिस्काउंट आज के दिन में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का आप देख सकते हैं, जो सेंसेक्स और निफ्टी जो 7% डाउन है उसके सामने यहाँ पर 26% ये डाउन चल रहा है। अब अगली बात करेंगे दोस्तों हम यूपीएल लिमिटेड के बारे में। यूपीएल लिमिटेड एक पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनी है, एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ ये जुड़ी हुई है, अपने आप में एक मार्केट लीडर है, और आज के दिन का इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों 725 रुपीज का, जो कि पिछले मंथ मीन्स एक मंथ की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये करीबन करीबन 11% तक डाउन जा चुका है। और अगर हम बात करें 52 वीक्स हाई की, तो ये 864 का हाई बना चुका है, और अभी 725 रुपीज के पास अवेलेबल है, जहां पर अगर आप डिस्काउंट देखें तो दोस्तों यहां पर भी आपको 16% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अपने 52 वीक हाई से ये 16% डिस्काउंट रेट पे चल रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए अपनी नेक्स्ट कंपनी जो कि JSW स्टील लिमिटेड है दोस्तों, ये भी टाटा स्टील की तरह ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, अपने आप में एक मार्केट लीडर की तरह ही है, और इसका आज के दिन का प्राइस है 632.10 रुपीस, जो कि ये 52 वीक्स हाई यानी कि 776.5 रुपीस से लेके आज 632.10 से ऑलमोस्ट 18.5% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जी हाँ, ये भी काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, कंपनी अपने आप में बहुत बेहतर है, मार्केट लीडर की तरह ही है, अच्छा बिजनेस कर रही है। और अब आगे बढ़ते हुए जिसका सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, कंपनी सुपर मार्केट चेन में काफी एग्रेसिव है, वो है डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड दोस्तों, इसका आज प्राइस है 4068 रुपीज, जो कि एक मंथ में करीबन 9.5% तक ये डाउन जा चुका है। बट गौर करने वाली बात यह है कि ये अपने 52 वीक्स हाई, हम कह सकते हैं शायद ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 5900 से आज 4068
68 पे चल रहा है, जहां पर दोस्तों आपको डिस्काउंट मिल रहा है 31% का। कंपनी अपने आप में बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है, मार्केट में अपनी अच्छी पोजीशन बना चुकी है, बट आज ये 31% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है दोस्तों। तो आप इन सभी 8 के 8 ब्लू चिप कंपनियां, मार्केट की एक लीडर कंपनियां का आज हम यहां पर एनालिसिस आपके पास लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और हाँ ऐसे कई सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।